A massive war of words erupting after Sena versus Sena verdict. In an exclusive conversation with India Today, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has said Uddhav Thackeray was selling out the party. He's further accused Uddhav of betraying Hindutva ideology by ditching the alliance with the BJP after the 2019 elections and forming a government with the support of the Congress and NCP. Meanwhile, former Chief Minister Uddhav Thackeray has termed this verdict itself as a murder of democracy. Reading to the judgment, Uddhav Thackeray pointedly raised the issue of the Supreme Court's orders not being followed, asserting that Shiv Sena will never be finished. Uddhav Thackeray says his camp would approach the Supreme Court now. On Wednesday, Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar announced that the Chief Minister Eknath Shinde-led faction is the real Shiv Sena. In conclusion to his hour and a half reading that he did, mentioning in detail as to why Shiv Sena of Eknath Shinde is really the one to be recognized, further adding that Shinde Sena MLAs cannot be disqualified. जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चलाते हैं, घरानेशाही जो परिवारवाद और एकाधिकारशाही जो हुकुमशाही की हार है, एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसे किसी को भी लोकशाही में अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डिसीजन है और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो इसमें तो मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। वो आप ट्राइब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तुमको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्राइब्यूनल का काम करिए, लेकिन उसने बेईमान जो गुट है शिंदे का, उनके वकील के रूप में काम किया, वो उनके लिए वकीली कर रहे थे, तो न्याय कैसा मिलेगा और सत्य कहाँ आएगा सामने? उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेच्या वतीनं ही केलेली नाही, आणि हे या जजमेंटमध्ये त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। पक्ष संघटना महत्वाची आहे असा निकाल सुभाष देसाईंच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे, आणि माझी खात्री आहे की त्याची उपयुक्तता हे अफेअर जातील आणि अफेअरमध्ये त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंना न्याय मिळेल। All right, now my colleague Sahil Joshi spoke to Speaker Rahul Narvekar. Let's listen in what he said. बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मौजूद है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया टुडे ग्रुप से बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जो फैसला आपने दिया है, सबसे आश्चर्य की बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि 1999 का शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन ही सही मानना चाहिए, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का नेतृत्व भी आपने मान लिया, 2018 का जो उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर था वो भी आपने कहा कि वो सही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना राजनीतिक पार्टी जून 2022 में भी इलेक्शन कमीशन के फैसला होने के पहले भी एकनाथ शिंदे की पार्टी थी, एकनाथ शिंदे के हाथ में थी, ये भी आपने माना, ये कैसे आपने कर लिया? देखिए, इन अपात्रता याचिका में जब निर्णय लेने थे तो कोर्ट ने कुछ निकष दिए थे और कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बताया था कि हमें सर्वप्रथम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सा गट रिप्रेजेंट करती है वो हमको तय करना है, और वो तय करने के बाद उस पार्टी के डिजायर के अनुसार हमें विप रिकग्नाइज करना है, और विप रिकग्नाइज करने के बाद हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि विप केवल इशू करना काफी नहीं है, वो विप जो व्यक्ति जिसको जो विधायक जिसको विप दिया गया है उस तक पहुंचाना, उसको सर्व करना, कंप्लीट सर्विस करना, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अनिवार्य है। तो जब हमने देखा कि सभी सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे के
जी के गुट को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मानना अनिवार्य है और उन्होंने अपॉइंट किए व्हिप को रिकग्नाइज करना आवश्यक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या ये व्हिप जो है वो सही तरीके से सर्व किया गया है, इसे दिया गया है क्या ठाकरेगढ़ के एमएलए को, तो वो सर्विस कंप्लीट नहीं थी, उसका एविडेंस नहीं था, इसीलिए हमने ठाकरेगढ़ के एमएलए को अपात्र तय करना ठीक नहीं समझा। All right, Dev Kotak joining us live for more on that. Dev, it was an action-packed evening last evening when the speaker announced that Shinde Sena is the real Shiv Sena. Though on expected lines, considering Shinde Sena has the numbers, but at this point, Uddhav Thackeray's team says they are going to knock on the doors of the Supreme Court. The fight is still on there. Well, yes, absolutely. Three senior leaders from the party, Uddhav Thackeray himself, his son Aditya Thackeray, who was a former tourism minister in the erstwhile MVA government, and leader Sanjay Raut also said that they're going to be approaching the Supreme Court. And meanwhile, other leaders from the opposition camps have also expressed displeasure, calling it that it was a fixed match or a fixed result. In fact, Sharad Pawar also went on to say that he is hardly surprised by this kind of a result. So definitely, with things not having gone in their favor, they're going to knock the doors of the Supreme Court. And of course, as you know, this issue regarding the disqualification petition has been been around for a while. In fact, since the last more than a month, past more than a month, things have gone back and forth, and several meetings have been held. Whereas lawyers from both the party, both the camps of UBT as well as Eknath Shinde, challenging the disqualification in the Vidhan Bhavan as well. And yesterday, the Speaker of the Legislative Assembly, Rahul Narvekar, finally decided, and he also said that the major reason why they could not pass it in Uddhav Thackeray's favor is because Uddhav Thackeray does not have the power and the right to remove Eknath Shinde. So going by the constitution, they have heavily relied upon it. And as you know, the result has been favorable for the Eknath Shinde camp. Definitely with Uddhav Thackeray and other senior members and leaders of his party expecting to approach the apex court to try and get them intervention in this matter. And going by the pure legacy claim, his father was the one responsible for founding this party. That is why he should be awarded. But like I said, that the numbers do not favor him at this point in time. So that is also something that has not gone very well with him or in his favor at this point in time.